तो ये है हमारे सामने अशोक नगर की माता रानी। सामने माता रानी, उससे पहले यहाँ पर देखो भाई अभी भजन हो रहा है, रात के 2 बज रहे भाई, भजन हो रहा है अभी यहाँ पर। और यहाँ पे ना पूरी 9 माता रानी के दर्शन करवाए गए हैं। देखो माँ काल रात्रि, माँ कात्यायनी, माँ स्कंद माता, माँ कुष्मांडा, माँ चंद्रघंटा, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री, माँ सिद्धात्री, माँ महागौरी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेलकम है आपका मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो भाई आज का मेरा वीडियो है भिवंडी में जो नवरात्रि का पंडाल है, यानी जहाँ जहाँ माता रानी स्थापित रहेंगी वो सारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब दर्शन करवाने वाला हूँ माता रानी के। और मैं सबसे पहले भाई कहाँ आया हूँ, भिवंडी में जहाँ सबसे बड़ा गरबा पंडाल लगता है, मेरे सामने ही है। मैं आपको यहाँ का गरबा दिखा देता बट मैं लेट हो गया, कोई नहीं, मैं माता रानी के दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पर आके मैं ज़रूर एक दिन गरबे का ब्लॉग बनाऊँगा। तो भाई अभी मैं आपको ना वो प्लेस दिखाता हूँ भाई। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ भाई अशोक नगर में, सार्वजनिक सहस्त्रणी हवना मरुप नवकुंडी महायज्ञ। भाई यहाँ पर महायज्ञ भी चालू है और अशोक नगर रही वासी संघ नवरात्रोत्सव 2024 डांडिया रास। भाई यहाँ पे डांडिया करवाता कौन है, मतलब यहाँ के मेन श्री रुपेश दादा मात्र, जो कि मुझे दिखे अभी यहाँ पर। अगर वो अंदर मुझे दिख गए तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा, उनसे भेंट करा दूँगा, दिखा दूँगा कि वो कौन है। तो भाई वो माजी आमदार है भिवंडी ईस्ट के। वो हर साल भाई ऐसे ही बड़ा, इस बार तो काफ़ी छोटा है ये ग्राउंड अभी तक। इसके पीछे ना एक जैन गुरु जी हैं, उनका ना एक पंडाल लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ है। वरना ना ये जितनी बड़ी जगह ये इतनी है ना, और फिर माता रानी शायद आपको यहाँ से दिख रही हो तो वो उतनी जगह भी ना पूरा ना यहाँ पर उतने में पूरा ना गरबा होता था। और ये मेन स्टेज है जो माननीय लोग एक तरफ बैठते हैं और एक तरफ रहता है भाई गरबा का जो गाना, मतलब जो भजन गाते हैं, गाना गाते हैं, वो सारे लोग बजाने वाले रहते हैं वो सब। तो भाई अभी चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। और यहाँ के बाद ना भिवंडी में जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा गरबा पंडाल है ना, वहाँ हर जगह मैं माता रानी के दर्शन करवाऊँगा। तो चलते हैं ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं, अम्बे माता की जय। तो ये है भाई मेन स्टेज और जो गरबा कराते हैं वो यहाँ पर सामने, ये आपको दिख रहे हैं ना। तो ये है सामने भाई, यही है रुपेश दादा मात्रे माजी आमदार, जो कि ना हर वर्ष यहाँ पर ना बड़ा गरबा पंडाल लगवाते हैं। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ माता रानी के दर्शन करने। तो ये है हमारे सामने अशोक नगर की माता रानी। माता रानी शेर के ऊपर सवार है, इस तरीके से वो माता रानी के एक हाथ में शंख है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में तलवार है, और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए एक हाथ में चक्र है और बाकी दो हाथ में भी शस्त्र है। तो भाई इस तरह से हमारी अशोक नगर की माता रानी। और एक चीज़ भाई, यहाँ पर हर वर्ष ऐसा ही होता है, जैसे मैंने पीछे पढ़ा ना अभी महायज्ञ, तो देखो यहाँ पर ये कितने सारे अनुष्ठान जैसा, मतलब यज्ञ का कुंड बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगभग 9 कुंड। भाई 9 माता रानी ना, इसके लिए 9 कुंड बना है। और एक चीज़ यहाँ पर अभी तो फिलहाल समाप्त हुआ, बाकी ये जैसे रखा है ना, ये सिंह दाना और ये राम दाना और ये चना, ये ना ऐसे रखा रहता है भर कर, पता है क्यों दिखा। तो ये देख रहे हो लोग आ रहे हैं ऐसे, तो भाई ये लोग ना ऐसे ना गोल 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 ना फेरी मारते हैं, चक्कर मारते हैं, क्यों ना वो ना उनकी ना आस्था रहती है अंदर से। जैसे कोई एक चक्कर मारता है, कोई 11 मारता है, कोई 51 मारता है, कोई 101, कोई 108, कोई 151, कोई 201, 251, तो इतना बड़ा काउंटिंग याद नहीं रख पाते, इसलिए ना यहाँ पर ना काउंटिंग से निकाल लेते हैं। जैसे अगर 11 मारना है ना, तो 11 सिंह दाना मैं निकाल लूँगा और फिर मेरा 11 जैसे कंप्लीट होगा, तो जैसे अभी इस भाई ने डाला वैसे मैं आके ऐसे यहाँ पे डाल दूंगा, तो जब वो ख़त्म होगा तो मेरा अपने आप वो उतना फेरी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ये इस तरह से है भाई दुर्गा पंडाल। और ये पंडाल भाई पूरे मतलब भिवंडी का सबसे बड़ा दुर्गा के साथ साथ गरबा पंडाल है। तो अभी भाई यहाँ से मैं चलता हूँ दूसरे मंडप पे, अम्बे माता की जय। आप लोगों को मुझे लगता है कि याद भी होगा गाना, और कहना है क्या, राम की तुम
और सारे लोग तालियों के साथ पूरी पूरी सारे जितने खड़े भक्त हैं, जितने बैठे भक्त हैं, सारे लोग खड़े वाले बैठने वाले सारे लोग उठाएंगे दोनों हाथों को, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, और कहना है क्या कि मेरी झोपड़ी के बाबा बाबा मित्र मंडल। रात के कितने बज रहे भाई? 2 बज रहे, 1:51 हो रहे, 53 हो रहे है। सामने माता रानी, उससे पहले यहाँ पर देखो भाई अभी भजन हो रहा है। रात के 2 बज रहे भाई, भजन हो रहा है अभी यहाँ पर, और मंडल के काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये पर्दा लगा हुआ था, बट भाई माता रानी की कृपा है कि भाई यहाँ पे पहचान के अंकल मिले तो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर भाई हमें माता रानी के साथ में भोले बाबा, बजरंग बली महाराज, सरस्वती माता और साथ में लक्ष्मी माता के भी दर्शन होते हैं। इतनी प्यारी माता रानी है, इतनी प्यारी, और ये साथ में इतने सारे यहाँ पर देवी देवता और भी है। और सामने गणपति बप्पा, किसने कहा बप्पा विसर्जित हुए, अभी भी है बप्पा हमारे साथ। और मूर्ति देखो कितनी बड़ी है भाई, ये मूर्ति होगी करियप्र प्रभावल से लेके वहाँ तक लेंगे तो मूर्ति होगी 10 से 12 फीट की। और एक चीज़, ये जो है ये भाई कमला होटल के पास में है, और ये जो जगह प्लेस दिख रही है ना आपको, यहाँ पर ना बड़ा गरबा होता है भाई। बोला जाए ना तो भिवंडी में यहाँ पर भी टॉप 5 में से ना एक प्लेस ये भी आता है भाई, के बिल्डिंग कमला होटल के पास, यहाँ पर बड़ा गरबा होता है भाई। तो भाई ये है प्लेस, तो यहाँ आके आप ज़रूर विजिट करना। और चलते हैं भाई दूसरे पंडाल, अभी तक मैंने सिर्फ बोल कर दिखाया इस वजह से क्योंकि वहाँ पर शोर था इस वजह से। तो भाई धामन नाका जाने के पहले इस मंडल का नाम मैं आपको बताता हूँ। इस मंडल का नाम देखो भाई, इतने छोटे से जगह में यहाँ पर होता है इनका गरबा। मंडल का नाम क्या है? बाल मित्र मंडल। हाँ, तो यहाँ पर ना गणपति बप्पा का भी स्थापना होता है, साथ में देखो देवी माता का भी स्थापना होता है। माता के स्थान पे भाई मूर्ति नहीं है, फोटो है, बट इनके पीछे झांकी देखो। और यहाँ पर देखो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती माता, मतलब जो वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी, वैष्णो देवी जो पहाड़ पर है ना भाई, वो वाला यहाँ पर बनाया गया है, मतलब वो थीम बनाया है। और यहाँ पे ना पूरी 9 माता रानी के दर्शन करवाए गए हैं। देखो माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, माँ स्कंद माता, माँ कुष्मांडा, माँ चंद्रघंटा, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री, माँ सिद्धात्री, माँ महागौरी। तो भाई पूरी 9 की 9 माता रानी के दर्शन हमें यहाँ पर हो गया है। वो भी किस तरीके से, जिस माता रानी का जो वस्त्र है ना, जिनका सफ़ेद है, जिनका गुलाबी है, जिनका लाल है, जिनका ऑरेंज है, मतलब ना वो उस वस्त्र में भाई यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर भाई माता रानी के रूप में हमें फोटो देखने मिलता है, पर यहाँ पर इन्होंने माँ वैष्णो देवी, अगर आप कश्मीर नहीं गए भाई दर्शन करने तो भाई यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो माँ वैष्णो देवी के, माँ लक्ष्मी माता, माँ काली माता और माँ सरस्वती माता। अम्बे माता की जय। तो भाई अभी फिलहाल अपना मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको पंडाल दिखाया भाई, ये थे भाई बड़े बड़े गरबा पंडाल, और साथ ही में भाई बड़े गरबा पंडाल के साथ में मतलब जहाँ माता रानी भी स्थापित होती है, बाकी काफ़ी जगह मतलब फोटो भी है, बट वहाँ की उनकी झांकी बड़ी प्यारी थी। तो अभी भाई लास्ट मंडप पे आया हूँ मैं, MH04 अंजुर फाटा।
तो भाई ये यहाँ का डेकोरेशन भाई आते से एकदम आलीशान, मतलब मैं आपको दिखाता क्या बात होती, भी रात के लगभग 3:30 बज रहे भाई, यहाँ पर एकदम शांति है। यहाँ पर भी वैसे तो फोटो ही होती है, बट ना यहाँ पर ना काफ़ी बड़ा गरबा होता है इस बार, जो हमारे भिवंडी वेस्ट के MLA है श्री महेश चौगले जी, वो इस बार आयोजित नहीं किया है उन्होंने नवरात्रि का, वो ग्राउंड में भी नहीं करवाया उन्होंने, मैंने अपडेट वीडियो में बताया था आपको, तो वो इस बार नहीं करवा रहे भाई, कहीं नहीं करवा रहे ऐसा मुझे लोगों ने बताया। तो भाई इस बार भिवंडी में बोला जाए दूसरा सबसे बड़ा गरबा तो वो यहीं पर है MH04। और यहाँ पर देखो साइकिल रखी भाई, साइकिल और एक्टिवा रखी है, इट मीन के डेली मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी ना किसी को प्राइज मिलेगा कुछ ना कुछ। ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये देखो अभी दिखा आपको सामने, देखो स्टेज के पास साइकिल है, और फिर उधर नज़र मारेंगे तो वो देखो एक्टिवा है। तो भाई यहाँ पे डेली मतलब कुछ ना कुछ प्राइज मिलता है, तो यहाँ भी भाई एक दिन ज़रूर आएंगे कवर करने। तो ख़त्म करते हैं अपना आज का ब्लॉग वीडियो, बस समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, माता रानी की जय, गणपति बप्पा मोरया, जय श्री राम।